अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में मुख्तसर तारीखी पहलू पर बात करते हुए इसके फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, एवैक्स और रडार्स के अलावा पॉसिबल फ्यूचर एक्विजिशन पर बात करेंगे। इसके अलावा फिजाइया में इर्तका और बदलते तकाजों को लेकर इकदामात को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान को अपने हमसाए भारत के मजमूम अजाइम को लेकर अपने दिफा पर खतीर रकम खर्च करना पड़ती है। अफवाज पाकिस्तान में आर्मी के बाद फिजाइया दूसरी बड़ी ब्रांच है। ये 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आते ही क़याम अमल में आ गई थी। पहली दिहाई यानी 1947 से लेकर 1957 तक पाक फिजाइया ने बरतानवी साख्ता एयरक्राफ्ट को ही तरजीह दी, लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान के ताल्लुकात अमरीका से परवान चढ़े तो 100 अमरीकी साख्ता F-86 सैबर तैयारे फिजाइया की इन्वेंट्री में शामिल हुए। 1965 में पाक भारत जंग हुई तो पाकिस्तान को अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। पाबंदियों के दौरान पाकिस्तान ने चाइनीज़ और फ्रेंच साख्ता तैयारों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इस अरसे के दौरान मिराज 3 और चाइनीज़ साख्ता F-6 पाकिस्तानी फिजाइया के फ्लीट में शामिल हुए। 1979 में सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के साथ ही हालात बदले और पाकिस्तान को अमरीकी F-16 मिलना शुरू हो गए। 1990 में अमरीका ने एक दफ़ा फिर प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी की वजह से पाबंदियां लगा दी, जो कि 2001 में 9/11 के वाक़े तक जारी रही। 9/11 के बाद ही अमरीका अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा और पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां ख़त्म करते हुए इसे मेजर नॉन नेटो अलाई का दर्जा दे दिया। इस अरसे के दौरान ही पाकिस्तान ने GF-17 थंडर की तैयारी चीन के साथ मिलकर शुरू कर दी। याद रहे कि पाकिस्तान ने मकामी तौर पर GF-17 की तैयारी के बाद अब चीन से J-10C तैयारे भी खरीदे हैं। फ्रेंड्स, ये तो था पाकिस्तान एयरफोर्स में फाइटर एयरक्राफ्ट यानी जंगी तैयारों की शमूलियत का तमाम तारीखी सफ़र। अब एक एक करके तफसील से तमाम तैयारों और इनके वेरिएंट्स की पाक फिजाइया में शमूलियत पर बात कर लेते हैं। ।1979 में अफगानिस्तान पर रूस ने कब्जा किया तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीन को तरबियत देना शुरू की। रूस इन मुजाहिदीन की तरबियत गाहों पर फिजाई हमले किया करता था, जिनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के पास मौजूद सेबर तैयारे और चाइनीज F-6 नाकाफी थे। इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने 40 F-16 का फ्लीट पाकिस्तान के हवाले किया। इनमें से 6 F-16 पीस गेट 1 और 34 पीस गेट 2 के तहत पाकिस्तान को फराहम किए गए। 1982 में मिलने वाले ये तमाम F-16 ब्लॉक 15 स्टैंडर्ड के थे। इसके बाद इन दिनों में पीस गेट 3 प्रोग्राम के तहत 11 F-16 का नया ऑर्डर दिया गया। यह 11 तैयारे जिनमें 6 F-16A और 5 B थे ऑर्डर किए गए। याद रहे कि F-16 ब्लॉक 15 के लिए A से मुराद सिंगल सीट और B से मुराद ड्यूल सीट एयरक्राफ्ट है। ताहम ये तैयारे पाकिस्तान को फराहम ना किए गए क्योंकि प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां लग गई थी, हालांकि इनकी अदायगी पाकिस्तान कर चुका था। इसके अलावा पाकिस्तान ने चौथे पीस गेट के तहत 60 F-16 का ऑर्डर भी 1989 में दिया था। ये भी पाबंदियों के बायस पाकिस्तान को ना मिल पाए, हालांकि 1990 में पाबंदियां लगने तक 11 तैयारे पिछले और 17 1989 के ऑर्डर में से तैयार हो चुके थे। ये 28 के 28 तैयारे AMARC यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रीजनरेशन सेंटर वेयर हाउस में भेज दिए गए। तमाम इनमें से 23 2001 में पाबंदियां हटने के बाद पाकिस्तान को दे दिए गए, लेकिन जो तैयार होने से रह गए थे वो कभी ना मिल पाए। ।2006 में पीस ड्राइव 1 के नाम से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 फ्लीट की अपग्रेडेशन शुरू हो गई। इस दौरान 12 F-16C ब्लॉक 52+ और 6 F-16D ब्लॉक 52+
पाक फिजाइया के बेड़े में मरहलावार 2010 तक शामिल हुए। इसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ये भी तय हुआ कि 44 F-16AB तैयारों को MLU स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मॉडर्नाइज किया जाएगा। इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में कलीदी इक्विपमेंट जैसा कि DB-110 पार्ट, हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम, ANAPG-66V2 रेडार, ANALQ-213 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से पाकिस्तानी तैयारों को लैस करने पर इत्तेफाक हुआ। फाल्कन अप मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत 41 F-16 ब्लॉक 15 तैयारों को तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की फैसिलिटीज में अपग्रेड किया गया। पाकिस्तान ने 2014 में उर्दन से 13 F-16 ADF यानी एयर डिफेंस फाइटर खरीदे। इनमें से 9 A जबकि 4 B वर्जन के थे। वाज़ह रहे कि ADF यानी एयर डिफेंस फाइटर F-16 ब्लॉक 15 का स्पेशल ऑप्टिमाइज वेरिएंट है, जिसको 80 की दहाई के एंड पर अमेरिका की एयर नेशनल गार्ड की रिक्वायरमेंट्स के तहत बनाया गया था। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूं कि ADF फाइटर्स को चंद मुमताज़ चीज़ों से स्टैंडर्ड F-16 ब्लॉक 15 तैयारों से बज़ाहिर अलग शनाख्त किया जा सकता है, जैसा कि लॉन्ग और थिन हॉरिजॉन्टल ब्लेजेस जो इसके वर्टिकल टेल की बेस पर मौजूद हैं। इसके अलावा 4 ब्लेडेड एंटेना जिसको बर्ड स्लाइसर भी कहा जाता है, वो इसके कनोपी के फ्रंट पर वाज़े देखा जा सकता है। ये बर्ड स्लाइसर दरअसल इसके IFF यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो का पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर पाक फिजाइया के F-16 फ्लीट के तमाम तर एक्विजिशंस और अपग्रेड्स को शामिल करके देखें तो इस वक्त PAF में F-16 की फ्लीट की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। F-16AM ब्लॉक 15 MLU 37, F-16BM ब्लॉक 15 MLU 17, F-16A ब्लॉक 15 ADF 9, F-16B ब्लॉक 15 ADF 4, F-16C ब्लॉक 52+ 12, F-16D ब्लॉक 52+ 6 हैं। याद रहे कि इन F-16 के डेजिग्नेशन में M बुनियादी तौर पर मिड लाइफ अपग्रेड्स को जाहिर करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक वक्त में टोटल F-16 की तादाद 85 रही है। पाकिस्तान का वास्ता फ्रांसीसी मिराज तैयारों से 1966 में पड़ा, जब अमरीका ने सन 65 की पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी थी। पाकिस्तान इस वक्त F-86 सेबर और F-104 तैयारे इस्तेमाल किया करता था। अमरीका की पाबंदियों के बाइस पाकिस्तान को फिजाइया के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए 1966 में मिराज तैयारों का ऑर्डर दिया गया। 1975 के आते आते पाकिस्तान को 36 मिराज तैयारे डिलीवर किए गए। इन 36 तैयारों में मिराज 3EP, मिराज 3EDP, मिराज 3RP-1, मिराज 3DP, मिराज 3RP-2 वेरिएंट्स शामिल थे। पाक फिजाइया के इन तैयारों ने अरब इसराइल जंग में इसराइली एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया, जो अब भी तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इनकी सलाहियतों को देखते हुए 1970 में 60 मजीद मिराज 5 तैयारों का ऑर्डर दिया। इन मिराज 5 तैयारों के वेरिएंट की अगर बात करें तो इसमें से कुछ मिराज VPA और कुछ मिराज VPA-3 जबकि कुछ मिराज VDPA-2 वेरिएंट्स शामिल थे। ये तैयारे पाकिस्तान को 1979 तक डिलीवर कर दिए गए। 1979 के बाद पाकिस्तान की इन्वेंट्री में F-16 आना शुरू हुए, लेकिन फिर जब पाबंदियाँ लगीं तो पाकिस्तान ने अपने मिराज के फ्लीट को मजबूत करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो पाक फिजाइया ने ऑस्ट्रेलिया से मिराज 3 जो अच्छी हालत में थे वो ख़रीदे, फिर बेल्जियम से 1996 में, सन 2000 में लबनान से, 2003 में स्पेन से, 2006 में लीबिया से और 36 मिराज 5 2019 में मिस्र से हासिल किए, जिनकी डिलीवरीज 2019-20 में हुई। इस्तेमाल शुदा तैयारों में से कुछ को तो स्पेयर पार्ट्स के तौर पर रख दिया गया, जबकि कुछ को रोज़ प्रोग्राम के तहत मॉडर्नाइज किया गया। 2003 में पाकिस्तान ने रोज़ 1 प्रोग्राम के तहत अपने 33 मिराज 3 तैयारों में नए हड, ग्रिफो M3 रेडार, रेडार वार्निंग रिसीवर और नए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर सिस्टम के अलावा नेविगेशन सिस्टम से इन तैयारों को मॉडर्नाइज किया। मिराज 5 को भी रोज़ 2 और रोज़ 3 प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किया गया। पाकिस्तान के तैयारों में FLIR सिस्टम्स और रात को नेविगेट करने वाले सिस्टम्स और दीगर जदीद आलात नस्ब करके रात को हमले करने की सलाहियत में इजाफा किया गया। पाकिस्तान के पास इस वक्त 50 मिराज 3 और 60 मिराज 5 तैयारे मौजूद हैं। पाकिस्तान इन्हें 2020 से 2030 के दरमियान JF-17 से तब्दील करने का इरादा रखता है। इस वक्त सिर्फ मिराज ऐसे तैयारे हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है,
पाकिस्तान अब ये काम JF-17 ब्लॉक 3 से लेना चाहता है, जबकि न्यूक्लियर कैपेबल रात 2 क्रूज मिसाइल में हालिया की गई चेंजेस, ये क्रूज मिसाइल ना सिर्फ अकिंजी ड्रोन बल्कि J-10C के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये तफसीलात थी पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज तैयारों के फ्लीट की। अब बारी है JF-17 थंडर तैयारों की। JF-17 सिंगल इंजन पर चलने वाला 4th जनरेशन मल्टी रोल तैयारा है। इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चाइना ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है, लेकिन अहम बात यह है कि यह तैयारा पाक फिजाइया की रिक्वायरमेंट्स और लो प्राइस लो मेंटेनेंस कॉस्ट रखने वाला कसीरुल मकासिद एयरक्राफ्ट है, जिसको पाक फिजाइया बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चर, इंडक्ट और मॉडर्नाइज कर सकती है। इस पर होम ग्रोन और चाइनीज साख्ता सिस्टम्स होने की बदौलत इस पर किसी भी किस्म के नए वेपन को इंटीग्रेट करना मुमकिन है। इन तैयारों की तैयारी का काम 1980 में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के इश्तराक से शुरू किया गया। इसकी तैयारी का असल मकसद तो A-5C टैक्टिकल बॉम्बर्स को रिप्लेस करना था। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को फिर इन तैयारों से F-7 और बाद में मिराज तैयारों के फ्लीट को रिन्यू करना था, लेकिन चीन और पाकिस्तान से अमरीका के इख्तलाफात के बायस इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। अमरीका इन इख्तलाफात के बायस Sabre-2 प्रोजेक्ट से निकल गया। 1995 में पाकिस्तान और चीन ने आपस में एक याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसमें बिल्कुल एक नए डिज़ाइन का तैयारा तैयार करने के अज़्म का इरादा किया गया। पाकिस्तान की कोशिश थी कि यह तैयारा मुमकिन हद तक सस्ता और अहलियत से भरपूर हो। यह मंसूबा बनाया गया कि इस तैयारे में मकामी तौर पर तैयार करदा ज़्यादा से ज़्यादा पुर्जाजात इस्तेमाल किए जाएंगे। इनके प्रोटोटाइप्स को इन पुर्जों और आलात से लैस किया जाएगा जो कि रोज़ प्रोग्राम में इस्तेमाल किए गए थे। JF-17 के प्रोटोटाइप्स की प्रोडक्शन सितंबर 2002 में शुरू हुई, जबकि पहले प्रोटोटाइप PR-01 ने अगस्त 2003 में फर्स्ट फ्लाइट ली। दूसरी दफ़ा तैयार शुदा प्रोटोटाइप्स, जिनको PT-04 का नाम दिया गया, इनको अप्रैल 2006 में उड़ाया गया। JF-17A ब्लॉक 1 से कुल 50 जंगी तैयारे फिजाइया में शामिल किए गए। इसी तरह से JF-17A ब्लॉक 2 से 64, JF-17B ब्लॉक 2 से 28 और JF-17 ब्लॉक 3 के लिए 50 तैयारों का ऑर्डर दिया गया है। JF-17 को नाइजीरिया और म्यांमार को भी फरोख्त किया गया है। वाज़ह रहे कि JF-17 का ब्लॉक 3 अब तक के दोनों ब्लॉक से एडवांस्ड वेपन्स, सिस्टम्स और इक्विपमेंट से लैस होगा। फ्रेंड्स, ये तो थी JF-17 की कहानी। अब बात कर लेते हैं चेंगडू J-7 जंगी जहाज की। चेंगडू J-7 रूसी साख्ता MiG-21 का लाइसेंस वेरिएंट है। चेंगडू में वो तमाम पुर्जे नस्ब हैं जो कि MiG-21 पर नस्ब होते हैं। पाकिस्तान चीन के बाद इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। इनकी ख़रीदारी पाकिस्तान ने सन 1965 की जंग के बाद लगने वाली अमरीकी पाबंदियों की वजह से की थी। इनकी फरहमी पाकिस्तान को 1970 में हो गई थी। इब्तदाई डिलीवरीज में पाकिस्तान को 120 F-7P और 60 F-7PG वेरियंट्स फराहम किए गए। चूँकि इन तैयारों में एयर टू ग्राउंड सलाहियत मौजूद नहीं थी, लिहाजा इन्हें सिर्फ भारतीय जंगी तैयारों के खिलाफ इंटरसेप्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन तैयारों में से ज़्यादातर को JF-17 थंडर के साथ तब्दील किया जा चुका है। अब फिजाइया की इन्वेंट्री में सिर्फ 45 F-7PG वर्जन बाकी हैं। उम्मीद है कि 2025 तक इन्वेंट्री से ये भी रिटायर कर दिए जाएंगे। पाक फिजाइया ने F-7 के अलावा चीन से जो नए तैयारे खरीदे हैं वो हैं J-10C। इस एयरक्राफ्ट की तमाम तर हिस्ट्री, वेरिएंट्स और फीचर पर हम पहले ही तफसीली वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। पाकिस्तान J-10C को ज़्यादा नंबर्स में इंडक्ट कर सकता है, जो तादाद 3 से 4 स्क्वाड्रन तक भी जा सकती है। इब्तदाई तौर पर 6 तैयारे बाज के पहले हफ्ते पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किए जा चुके हैं, जो कि मुमकिन तौर पर इब्तदाई ऑर्डर करदा 25 तैयारों में से हैं। फ्रेंड्स, ये तो थी पाक फिजाइया में मौजूद लड़ाका तैयारों की तफसीलात। अब हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स को स्किप करके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स के अलावा दीगर सिस्टम्स पर बात कर लेते हैं। Saab 2000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट पाक फिजाइया के फ्लीट में शामिल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट में से एक है। ये दुश्मन की तरफ से खतरात की पेशगी इतला देने और मतलूबा मालूमात हुकाम को पहुंचाने वाले तैयारे हैं। इन तैयारों में स्वीडिश कंपनी इरिक्सन का रेडार इस्तेमाल किया गया है। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर फासले पर
दुश्मन से लाहक खतरात का पता लगा सकता है। पाकिस्तान ने 2004 में इसका पहला ऑर्डर दिया था और 2017 में पाकिस्तान ने 4 मजीद साब 2000 ऑर्डर किए थे। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास टोटल 7 साब 2000 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। पाक फिजाइया के पास एक और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग तैयारा ZDK-3 कराकुरम ईगल है। ये चीन के शैंगसी वायल 8 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है। पाकिस्तान ने एईसी रडार के साथ इन तैयारों का ऑर्डर 2008 में दिया था। इस ऑर्डर में 4 तैयारे शामिल थे जो 2013 में पाकिस्तान के हवाले किए गए। अब जिक्र है पाकिस्तान के रिफ्यूलिंग फ्लीट में मौजूद टैंकर तैयारों का। पाकिस्तान एयरफोर्स की इस ज़िमन में तरजीह IL-78 हैं। इन तैयारों से मुतालिक 2008 में पाकिस्तान का यूक्रेन से मुआहदा तय हुआ था। 2012 में इन तैयारों की फराहमी के बाद पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस इनको मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया है, जिसमें से इब्तदाई 1 से 2 एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइज हो चुके हैं, जबकि मुमकिन तौर पर यह मनसूबा 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अगर यूक्रेन में हालात मामूल पर आ गए तो। इन IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारों से पाक फिजाइया अपने JF-17 थंडर, Mirage-3, Mirage-5 और J-10C तैयारों को फिजा में ही रिफ्यूल कर सकती है। इन IL-78 तैयारों को बवक्ते ज़रूरत कार्गो मकासद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की इन्वेंट्री में मौजूद C-130 तैयारे भी पाक फिजाइये की लॉजिस्टिक फोर्स का अहम जुज़्व हैं। पाकिस्तान की C-130 की कहानी 1964 में शुरू हुई थी, जब ब्रिस्टल फ्रीटर को तब्दील करने के लिए टेंडर खोला गया था। यह टेंडर बुनियादी तौर पर 4 C-130 की फराहमी के लिए दिया गया। अगले आने वाले सालों में C-130 की टाइप H और टाइप E भी खरीदी गई। इस वक्त 16 C-130 तैयारे पाकिस्तान की फिजाइया के इन्वेंट्री में मौजूद हैं। साब 2000 और CN-235 भी पाकिस्तान की लॉजिस्टिक फोर्स का अहम जुज़ हैं। साब 2000 को 2 किस्तों में 2009 और 2020 के दरमियान हासिल किया गया, ताकि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग फ्लीट के साथ मिलकर मुश्तरका लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया जा सके। इस वक्त फिजाइया के पास गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक टोटल 16 साब 2000 कार्गो प्लेन्स मौजूद हैं, जबकि CN-235 की तादाद 4 है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान का ड्रोन से वास्ता पहली बार उस वक्त पड़ा जब अमेरिका ने MQ-1 प्रीडेटर को बहुत ज़्यादा तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू किया। इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका से इन्हें ख़रीदने की कोशिश भी की, क्योंकि ये जंग में खासे मुअसर हथियार थे। पाकिस्तान की इस दरख्वास्त का मस्बत जवाब ना मिला तो पाकिस्तान ने मकामी तौर पर ड्रोन्स तैयार करना शुरू कर दिए। इनमें सबसे पहले जिक्र है NASSCOM बुराक ड्रोन का। NASSCOM बुराक पाकिस्तानी फिजाइया की इन्वेंट्री में शामिल होने वाला पहला मुअसर ड्रोन था। इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट 2009 में भरी और 2013 में ये फिजाइया में शामिल कर लिया गया। NASSCOM बुराक कॉम्बैट सलाहियत रखता है। इसको गालबन 2014-15 में कामयाबी से एक ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के पास एक और UAV शाहपर ड्रोन की सूरत में मौजूद है। इस सिस्टम पर बुराक के फिजाइया में शामिल होने के बाद काम शुरू किया गया। ये 2012 में पहली मरतबा मंजरेआम पर आया और 2014 में इसे पाक फिजाइया में शामिल कर लिया गया। यह सिस्टम सिर्फ जासूसी के लिए तैयार किया गया है। शाहपर 2 ड्रोन, जो कि 2021 में मंजरेआम पर आया है, इस पर 120 किलोग्राम के पेलोड के साथ हमला करने की सलाहियत भी मौजूद है। ये 20,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाक फिजाइया के पास इस वक्त 15 शाहपर और 5 शाहपर 2 ड्रोन्स मौजूद हैं। मकामी तौर पर इन ड्रोन्स के अलावा पाकिस्तान के पास चाइनीज साख्ता विंगलोंग 2 भी मौजूद हैं। ताहम पाकिस्तान ने एक अरसे तक चीन से इन ड्रोन्स की ख़रीदारी को छुपाया। इसकी वजह भारत के मुख्तलिफ दावों को गलत साबित करना था। ताहम सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान ने चीन से तकरीबन 10 विंगलोंग 2 ड्रोन खरीदे हैं, लेकिन इनकी असल तादाद कभी सरकारी तौर पर जारी नहीं की गई। 2018 में भारतीय मीडिया में खबरें निकलीं कि पाकिस्तान चीन से मजीद जदीद ड्रोन्स खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इस किस्म की एक्विजिशन के बारे में खामोश रहा है। अब हाल ही में पाक फिजाइया की तरफ से जारी करदा वीडियो में विंगलोंग 2 ड्रोन की फ्लीट में मौजूदगी की तस्दीक तो हुई है, लेकिन तादाद अभी भी दस्तयाब नहीं। दीगर ड्रोन्स में तुर्क साख्ता TB-2 की मौजूदगी के अलावा तुर्की के ही तैयार करदा अकिलजी ड्रोन का भी ऑर्डर दिया गया है। पाक फिजाइया के पास ग्राउंड बेस्ड रडार्स भी खातर खा तादाद में मौजूद हैं। इसमें काबिल ज़िक्र चाइनीज़ साख्ता YLC-18 अल्फा रडार,
और अमरीकी साख्ता TPS-77 काबिल जिक्र हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स चीन से YLC-8 ए रडार भी खरीद रही है, जिसको खास तौर पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को शनाख्त करने के लिए तैयार किया गया है। रिवायती तौर पर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पाक आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट्स के पास रहे हैं, लेकिन अब एयरफोर्स लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी खरीद रही है, जिससे अमलन लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और एयर डिफेंस पाक फिजाइया के पास रहेगा। फ्रेंड्स, पाक फिजाइया ने अपने आप को हमेशा की तरह दौरे जदीद के खतरात से निपटने के लिए खुद को तैयार रखा है। इस मामले में साइबर सिक्योरिटी फोर्स का क्याम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर काबिल जिक्र हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की ड्रोन फ्लीट में इन्वेस्टमेंट और ISR कैपेबिलिटी पाक फिजाइया के करंट और फ्यूचर थ्रेट्स को टैकल करने के लिए अहम इकदाम हैं। फ्यूचर में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की इंडक्शन भी ऑन कार्ड्स है। इस मामले में या तो पाकिस्तान तुर्की के तामन से 5th जनरेशन तैयारा खुद तैयार और अक्वायर करेगा, या फिर दूसरी सूरत में चीन से इस मामले में एक्विजिशन की जा सकती है। इंशाल्लाह पाक फिजाइया वक्त के साथ साथ खुद को इवॉल्व करते हुए हमेशा सेकेंड टू नन रहेगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।